हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 6 अगस्त 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। ये वीडियो कल ही अपलोड होनी थी और 7 अगस्त की वीडियो भी कल ही अपलोड होनी थी, लेकिन वेबसाइट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि कोई ईमेल मेरे पास नहीं आ रहा था वेबसाइट से रिलेटेड। यानी अगर स्टूडेंट मॉक टेस्ट भी दे रहा था तो मुझे कोई कन्फर्मेशन नहीं आ रहा था। अचानक से शाम को एक स्टूडेंट का कॉल आया कि सर मैंने मॉक टेस्ट दिया है, ठीक ठाक स्कोर आया 29 के आसपास। तो मैंने सोचा इसने मॉक टेस्ट दिया तो मुझे पता क्यों नहीं चला। बाद में मैंने चेक किया, उसमें एक दो बार फॉल्ट में रजिस्ट्रेशन किया तो कोई मेल ही नहीं आ रहा, ना ही मेरे पास, ना ही जिस मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया। तो मैंने उसको सही करवाया, क्योंकि जो लोग स्टूडेंट इनरोल्ड हैं पहले से उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स थे उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। उससे पहले ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको करंट अफेयर्स में मैं कवर कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद ये 9 अगस्त की करंट अफेयर्स की वीडियो आ जाएगी, इसमें ये सारे करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स, मतलब पीआईबी के आर्टिकल्स मैं कवर करूंगा। उसके पहले ये पीआईबी का लेटेस्ट आर्टिकल है 6 अगस्त का, माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया। इसके लिए कुछ किया गया है तो बिल्कुल किया गया है। पोषण अभियान लॉन्च किया गया था, पर्पस क्या है, इंडिया को माल न्यूट्रिशन फ्री बनाना। इसके लिए पोषण अभियान लॉन्च किया गया जो कि मल्टी मिनिस्ट्रियल मिशन है। मल्टी मिनिस्ट्रियल मतलब कई सारी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। हालांकि नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पोषण अभियान कई सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है ताकि सुपोषित भारत का गोल अचीव किया सके। ये पोषण अभियान के तहत लगभग 18 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। क्या करते हैं, जो चाइल्ड की स्टार्टिंग की 1000 डेज होते हैं, यानी चाइल्ड के बर्थ के बाद जो स्टार्टिंग के 1000 डेज होते हैं उन पर फोकस किया जाता है पोषण अभियान के तहत। 2020-21 के लिए 30 स्टेट्स और यूटीज ने अपने कन्वर्जेंस एक्शन प्लान सबमिट किए हैं। देखिए पोषण अभियान स्टेट्स को इनकरेज करता है कि वो माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए, ठीक है, या फिर न्यूट्रिशन सेंट्रिक इनोवेशन के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 27.85 लाख रुपीज का एलोकेशन किया है। यानी कि न्यूट्रिशन सेंट्रिक इनोवेशन के लिए पोषण अभियान में कहा गया है कि स्टेट और यूटीज द्वारा 27.85 लाख रुपीज का क्या किया जाए, एलोकेशन किया जाए फिर पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। उसके अलावा ये जो न्यूट्रिशन सेंट्रिक इनोवेटिव मॉडल्स हैं इनके लिए अलग से एक फ्लेक्सी फंड बनाया है, और जो आपका पोषण अभियान है इस टोटल प्रोग्राम का 7% स्टेट और यूटीज द्वारा इस फ्लेक्सी फंड में डाला जाए। पोषण अभियान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था, कहाँ से, राजस्थान के झुंझुनू से मेरे ख्याल से, अगर नहीं ये करेक्ट है तो फिर आगे करेक्ट हो जाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने लॉन्च किया था 8 मार्च 2018 को। 3 वर्षों के लिए स्टार्टिंग में लॉन्च किया था। टारगेट क्या था, स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया और लो बर्थ वेट को 2-2%, 3% और 2% के हिसाब से पर ईयर कंट्रोल करना। इसमें से सिर्फ एनीमिया का टारगेट 3% पर ईयर है, बाकी सबका 2% याद रखिएगा। इसके अलावा 0-6 ईयर के जो बच्चे हैं उसमें स्टंटिंग के लिए अलग से टारगेट था कि जो 0-6 ईयर के बच्चे हैं उसमें स्टंटिंग 38.4% है, इसको 2022 तक 25% करना है। तो ये 0-2 स्टंटिंग के लिए अलग, 0-6 ईयर्स के लिए अलग से टारगेट था स्टंटिंग के लिए। हालांकि यंग चिल्ड्रंस, वुमेन्स और एडोल्सेंट गर्ल्स का 2-2, 3-2% ये आपका था ही, जिसमें एनीमिया 3% है, 3 वर्षों तक लगातार यानी 9% रिडक्शन करना था, बाकी सब 6-6% 3 वर्षों में, हालांकि पर एनम 2-2, 3-2% याद रखिएगा। ये नेक्स्ट आर्टिकल है एग्रोफॉरेस्ट्री, इसका पोटेंशियल क्या है और स्कीम को प्रमोट करना चाहिए फार्मर्स के बीच में। देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री का पोटेंशियल टैप क्या है, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर द्वारा एक सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री यानी स्मैफ स्कीम 2016-17 से रन की जा रही है। ये स्मैफ स्कीम के तहत क्या होता है, वेरियस टाइप्स के नर्सरीज को डेवलप करने के लिए फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को स्मैफ स्कीम के तहत। स्मैफ मतलब सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री आप देख पा रहे होंगे, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री, डबल फायदा होता है। एक तो प्लांटेशन आप करते हैं और एग्रीकल्चर कर ही रहे हैं, तो सेम लैंड में आपको डबल तरीके से फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए 15 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए हैं एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर में। और ये जो स्मैफ स्कीम है 2016-17 से लॉन्च की, इसमें जितना भी फंड आता है इसका 5% फंड कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग एक्टिविटीज के लिए खर्च किया जाता है। स्मैफ स्कीम एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए याद रखिएगा 2016-17 से लॉन्च की जा रही है, और इसको नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 के एक मिशन के तौर पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। स्मैफ स्कीम को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। याद रखिएगा दिल्ली में 2014 में वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री कांग्रेस हुई थी। क्या वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री कांग्रेस 2014 में दिल्ली में हुई थी।
इंडिया पहला कंट्री बन गया था जिसने नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लॉन्च कर दी थी 2014 में ही, अभी तक किसी वर्ल्ड में कहीं भी लॉन्च नहीं की थी। ये जो नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी है 20 स्टेट्स और 2 यूटीज में रन की जा रही है। एग्रो फॉरेस्ट्री जो लैंड होती है उसको ट्रीज सर्व के साथ साथ फार्म लैंड के रूप में भी यूज किया सकता है, ये कॉमन सी डेफिनेशन है आपके एग्रो फॉरेस्ट्री की। तो एग्रो फॉरेस्ट्री मैंने आपको बताया क्या 2016-17 के दौरान स्मैफ स्कीम लॉन्च की, सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्मैफ स्कीम। 15 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए आ चुके हैं। जितना भी फंड एलोकेट होता है उसका 5% कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लिए रखना चाहिए अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एक्शन प्लान है, अगर है तो क्या है, देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इस पूरी सीरीज में, जो भी मैं पीआईवी कवर करता हूँ वो क्रीम आर्टिकल होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं और ये आप सभी को पता है। हालांकि आप लोग परेशान होंगे मुझसे, मैं रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। संडे को मैंने कोशिश की लेकिन वेबसाइट ने ऐसी तैसी कर दी मेरी, तो मैं क्या करता। खैर, जब से नाबार्ड ग्रेड ए लॉन्च किया मैंने 3000 रुपीज में, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। वेबसाइट हैक कर दी गई, मेरी वेबसाइट को हैक ही कर दिया गया 2 महीने पहले, वेबसाइट हैक कर दी गई। आलतू फालतू कुछ भी होता रहता है मेरी वेबसाइट पे। कल रजिस्ट्रेशन आने ही बंद हो गए। अचानक एक स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट दिया और उसने कहा सर मैंने मॉक टेस्ट दिया, स्कोर अच्छा रहा है। मैंने कहा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ जब वो मॉक टेस्ट देते हैं, अगर उनका स्कोर कम रहता है। एक बार तो एक स्टूडेंट ने बोला कि आज स्कोर मैंने अच्छा किया, तो आपने स्क्रीनशॉट नहीं शेयर किया, तो जब अच्छा किया तो मैं क्यों शेयर करूंगा। तो कई सारी क्राइसिस होती रहती है मेरे साथ, क्योंकि नया हूं इस फील्ड में, तो शायद मैं टारगेटेड हूं ऐसा लगता है कभी कभी मुझे। चलो कोई बात नहीं, एक दिन तो पुराना होऊंगा ही, लेकिन मैं फीस तब भी मैं 4 डिजिट से ऊपर कभी नहीं ले जाऊंगा। एग्जाम इज ऑन पे कभी भी किसी भी कोर्स की फीस, चाहे वो UPSC ही लॉन्च कर दूंगा अभी मैं, वो 4 डिजिट से ऊपर कभी नहीं जाएगी। हालांकि UPSC के लायक मैं खुद ही नहीं हूँ अभी, तो मैं कैसे लॉन्च कर दूँ। नाबार्ड पढ़ाते हैं, चलिए नाबार्ड से रिलेटेड देखते हैं आर्टिकल्स। डिपार्टमेंट एनुअल हस्बेंड्री 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 15,000 करोड़ का एक फंड लॉन्च किया गया है, AHIDF फंड, एनुअल हस्बेंड्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। 2020 में लॉन्च किया गया, 15,000 करोड़ का ये फंड था। उससे पहले से 2017 से एक और फंड चल रहा था, डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये फंड था 11,184 करोड़ का। तो पहले से डेयरी सेक्टर का एक फंड चल रहा था, लेकिन फिर एनिमल हस्बेंड्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लॉन्च कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि 15,000 करोड़ का फंड था। प्राइम मिनिस्टर के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया और तुरंत 8,000 करोड़ जो है प्रोवाइड कर दिए गए, ताकि मिल्क प्रोसेसिंग और इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्लांट के लिए AHDIF का यूज हो सके। 2021-2022-23 के लिए ये 8,000 करोड़ दे दिए गए कि भाई तब तक ये खर्च करो और मिल्क प्रोसेसिंग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करो। ये जो स्कीम है आपकी AHIDF एनिमल हस्बेंड्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इस स्कीम में क्या होता है, बैंक आपकी लगने वाली लागत का 90% तक का लोन देती है। यानी 10% तो आपको खुद से बेयर करना पड़ेगा, सपोज के लिए 100 रुपये आप लगा रहे हैं तो 10 रुपये आप खर्च करिए भाई, बाकी 90% आप बैंकों से लोन ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्रोवाइड करती है 3% तक। बैंक जितने पे आपको लोन देंगे उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बेयर करेगी। साथ ही साथ लोन रीपेमेंट पीरियड 10 वर्षों का रहेगा और 2 वर्षों का आपका मॉरिटोरियम पीरियड भी रहेगा। तो ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के कुछ फायदे हैं। ये देख लीजिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको लॉन्च किया था। देखिए, 2 फंड लॉन्च किए थे, एक तो एनिमल हस्बेंड्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 15,000 करोड़ का था, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया। फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1,00,000 करोड़ का था, वो अलग से लॉन्च किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान के दौरान, वो भी लॉन्च किया गया था। AHIDF पे आते हैं, इसमें कौन कौन एलिजिबल है। देखिए, FPO, MSME, सेक्शनल कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, सब लोग एलिजिबल हैं, लेकिन 10% आपको खुद ही लगाना पड़ेगा, 90% तक आप लोन ले सकते हैं। इसके अलावा AHIDF के दौरान 750 करोड़ का एक क्रेडिट गारंटी फंड भी सेटअप किया गया, क्योंकि भाई बैंक ये लोन दे देंगे, अगर बैंक का लोन डूब गया तो गारंटी कौन लेगा। तो ये 750 करोड़ का क्या हुआ, क्रेडिट गारंटी फंड भी स्टैब्लिश किया गया। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये नाबार्ड द्वारा मैनेज किया जाता है, ठीक। और ये देख लीजिए, जो गारंटी कवरेज, ये जो बारोवर की क्रेडिट फैसिलिटी है उसका 25% तक क्रेडिट गारंटी लेता है। यानी अगर उसने 100 करोड़ लिए तो 25 करोड़ बैंकों को डेफिनेटली मिल जाना है। तो इसका मतलब ये है, सपोज करो उसने 50 करोड़ पे कर दिए
तो बैंकों का लॉस कितने वाला आना था, 50 करोड़ आने वाला था, लेकिन 25% तक क्रेडिट, जो आपका क्रेडिट फैसिलिटी है यानी जितना दिया गया है उसका 25% है। तो अगर बैंक आपका 80% लोन निकाल देती है तो लगभग कभी उनको डूबना नहीं पड़ेगा या फिर उनका क्रेडिट लॉस नहीं होगा। तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 15,000 करोड़ का फंड है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री द्वारा रन किया जा रहा है। 10% मार्जिन मनी जो है इंक्लूड करनी पड़ेगी। 750 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड है, नाबार्ड जो है इंप्लीमेंट कर रहा है। 25% क्रेडिट फैसिलिटी बरोवर की, उसको क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल देख लीजिए आप, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, इन्होंने 6 राउंड के लिए ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग प्रोग्राम की बिडिंग स्टार्ट कर दी है। ये जो 6 राउंड में लगभग एरिया कवर किया जाएगा, 35,346 स्क्वायर किलोमीटर कवर किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन्होंने ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग जो प्रोग्राम है उसकी 6 राउंड की बिडिंग स्टार्ट कर दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी 2016 में लॉन्च की थी। उसके तहत इंडिया में जितने भी एक्सप्लोरेटरी ब्लॉक्स होते हैं पेट्रोलियम के, उनके ऑक्शनिंग की जाती है, यानी कि ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी के द्वारा आओ भैया प्रथम आओ प्रथम पाओ, जितना फंड दोगे आप उसी हिसाब से आपको ब्लॉक्स मिल जाएंगे। ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी का बिट फाइव हुआ था, ये देख लीजिए 11 एक्सप्लोरेशन ब्लॉक थे उसके लिए हुआ था। अब इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपन एग्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी की बिडिंग 6 राउंड की लॉन्च कर रही है, जिसमें 21 ब्लॉक्स इंक्लूड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लगभग 35,346 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर किया जाएगा। 6 अगस्त से ये ओपन एग्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी की बिडिंग 6 स्टार्ट हो गया है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, सबसे पहले चल रही थी न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, लेकिन 2016 में हेल्प पॉलिसी आ गई, यानी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, इसने नेल्प को रिप्लेस कर दिया। हेल्प की वजह से कहा गया 2022-23 तक जो ऑयल और गैस का आउटपुट है वो डबल हो जाएगा, और एक नई ट्रांसपेरेंट बिडिंग पॉलिसी लाएगी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन सेक्टर में। ये जो हेल्प था इसके तहत ये आपकी ओपन एग्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी लाएगी। ओपन एग्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी की खास बात क्या थी कि पहले जो आपका ये बिडिंग होती थी उसमें कहा जाता था प्रॉफिट के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर लेगी, लेकिन ओपन एग्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी में कहा गया रेवेन्यू के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर लेगी। क्योंकि तो कई लोग जैसे रिलायंस वगैरह थे ना, वो प्रॉफिट घटा के दिखाते थे कि हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा, कभी बालू घुस गई है कुएं के तेल में या कुछ भी डैमेज हो गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा भाई जितना रेवेन्यू जनरेट होगा ना उतना ही का हम लोग कुछ हिस्सा ले लेंगे, प्रॉफिट का नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब बहाना हट गया, तो ओपन एग्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी ये हेल्प का ही एक पार्ट है, 2017 में लॉन्च किया गया था। हेल्प ने नेल्प को रिप्लेस किया था, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देख लीजिए, डिजिटल लिटरेसी अमंग वुमेन, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा एक स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही, पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। देखिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ये पीएमजी दिशा लॉन्च हुई थी, इसका पर्पस था कि रूरल एरियाज में डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना, और 31 मार्च 2022 तक 6 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड को डिजिटल लिटरेसी के पार्ट के तौर पर इन्वॉल्व करना, यानी डिजिटली लिटरेट बनाना, कितने 6 करोड़ रूरल पॉपुलेशन को 31 मार्च 2022 तक पीएमजी दिशा के तहत। ये देख लीजिए, बाकी ये मैंने 2.5 लाख ग्राम पंचायतें कवर की गई, ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ ये याद रखिए 2 अगस्त 2021 तक लगभग 5.01 करोड़ जो बेनिफिशरीज हैं उनको पीएमजी दिशा में इनरोल किया जा चुका है। इस 5.01 करोड़ में से 4.21 करोड़ को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जा चुकी है, यानी उनको डिजिटली लिटरेट बनाया जा चुका है। इस 4.21 करोड़ में से लगभग 2.59 करोड़ क्या है, महिलाएं हैं, तो ये अपने आप में अच्छी बात हो जाती है। सॉरी इस 4.21 करोड़ में से नहीं, 5.01 करोड़ में से 2.59 करोड़ कितनी है, महिलाएं हैं, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि महिलाओं को डिजिटली लिटरेट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सब कुछ डीबीटी से काम चल रहा है, यूपीआई से काम चल रहा है, तो महिलाएं डिजिटली लिटरेट होनी चाहिए। पीएमजी दिशा, मैंने आपको बताया 6 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स को डिजिटली लिटरेट बनाना था, तो 2016-17 में ये स्कीम लॉन्च कर दी गई पीएमजी दिशा। कब तक 6 करोड़ लोगों को, 31 मार्च 2022 तक। इसके लिए 2,00,000 2,00,000 नहीं 2,351.23
3.38 करोड़ रुपए जो है प्रोजेक्ट के लिए दिए गए, ताकि रूरल इंडिया में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा दिया सके। पीएमजी दिशा देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है। बाकी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि 2016-17 में 25 लाख कैंडिडेट हुए, 18-19 में कितने हुए, नहीं। जो 71st एनएसएसओ का सर्वे था उसने बताया कि 2014 के दौरान सिर्फ 6% रूरल हाउसहोल्ड्स के पास कंप्यूटर था। तो पीएमजी दिशा इसीलिए इम्पोर्टेंट है, आप इतना याद रखिएगा, 31 मार्च 2022 तक कितने 6 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड को डिजिटली लिटरेट करना था, और 2 अगस्त 2021 तक 5.01 करोड़ बेनिफिशरीज इनरोल्ड हुए, जिसमें से 4.21 करोड़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। इस 5.01 करोड़ में से 2.59 करोड़ जो है बेनिफिशरीज कौन थी, महिलाएं थी 52%, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लीजिए, समग्र शिक्षा अभियान बढ़ा दी गई है भाई, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक चलेगी, यानी 5 वर्षों के लिए इंक्रीज कर दिया गया है। फिनेंशियल आउटले आप देख लीजिए 2,94,283.04 करोड़ एलोकेट किया गया है अगले 5 वर्षों तक, जिसमें सेंट्रल का शेयर आप देख लीजिएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके हेड होते हैं हमेशा कौन, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने समग्र शिक्षा अभियान को अगले 5 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया है। इसका नाम होगा समग्र शिक्षा अभियान 2.0। तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक रन किया जाएगा समग्र शिक्षा अभियान, जिस पर 2,94,283.04 करोड़ का खर्चा आएगा। इसमें से सेंट्रल का शेयर इतना होगा, क्योंकि 60-40 का रेशियो है, तो आप निकाल लीजिएगा। पीएमजी दिशा नहीं, समग्र शिक्षा अभियान को इस बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 से लिंक कर दिया गया है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंक्लूड कर लिया गया है। इस बार के जो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 है, अगले 5 वर्षों में 1.16 मिलियन स्कूल्स को कवर किया जाएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। समग्र शिक्षा अभियान देखिए प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। 3 स्कीम्स को मर्ज किया गया, सर्व शिक्षा अभियान को, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को, और टीचर्स एजुकेशन को। इन तीनों का ईयर वाइज हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है समग्र शिक्षा अभियान, 60-40 का रेशियो रहता है। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा कब, 2018 में। याद रखिएगा समग्र शिक्षा अभियान में सेकेंडरी स्कूल्स के दौरान नए सब्जेक्ट भी ऐड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है सेकेंडरी लेवल पर 6,000 रुपीज की पर एनम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, पहले प्राइमरी लेवल पर ही थी। निपुण, कुछ दिन पहले निपुण लॉन्च किया गया है, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, निपुण भारत इनिशिएटिव। इसमें क्या होगा, प्रत्येक बच्चे के लिए 500 रुपए पर ईयर का जो है प्रोविजन किया गया है, ताकि उनके लर्निंग मटेरियल पर खर्च किया जाए। टीचर्स के लिए भी 150 रुपीज पर टीचर के लिए प्रोविजन किया गया है, और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 10 से 20 लाख पर डिस्ट्रिक्ट के लिए किया गया है, ताकि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का असिस्टेंट असेसमेंट हो सके। तो क्या फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का असेसमेंट करने के लिए निपुण प्रोग्राम लॉन्च किया गया, निपुण भारत इनिशिएटिव, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। इसमें पर स्टूडेंट पर ईयर 500 रुपए दिए जाएंगे, पर ईयर पर टीचर 150 रुपीज दिए जाएंगे, पर डिस्ट्रिक्ट पर ईयर 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। रखिएगा निपुण प्रोग्राम के अलावा समग्र शिक्षा अभियान में यह भी कहा गया है कि चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए ₹50 पर एलिमेंट्री स्कूल जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान में रिसेंटली चाइल्ड सेफ्टी को भी शामिल कर लिया गया, याद रखिएगा करंट अफेयर्स में कवर किया था। इसके अलावा चाइल्ड सेफ्टी के अलावा परख, जो कि एक नेशनल असेसमेंट सेंटर था, वो भी अब समग्र शिक्षा अभियान का पार्ट होगा। परख मतलब परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, देखिए प्रत्येक स्कूल को 25,000 रुपए तक की ग्रांट दी जाएगी, ताकि जो उस स्कूल के 2 स्टूडेंट कम से कम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में मेडल लेके आए नेशनल लेवल पर। इसके लिए परख इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, ताकि प्रत्येक स्कूल में 2 बच्चे खेलो इंडिया गेम के तहत मेडल लेके आए, और इसके लिए परख इनिशिएटिव के तहत 25,000 रुपए पर स्कूल दिए भी जाएंगे स्पोर्ट ग्रांट के तौर पर, याद रखिएगा। बाकी आप देख लीजिए सोशल ऑडिट की जाएगी, जितने भी स्कूल्स होंगे उसमें से 20% को कवर किया जाएगा हर 5 वर्ष में। तो सोशल ऑडिट 5 वर्ष में होगी, टोटल स्कूल का 20% कवर किया जाएगा। तो समग्र शिक्षा अभियान थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ लिया, रात बहुत हुई है तो रिकॉर्डिंग करने में मुझे दिक्कत हो रही है, देखते हैं कल सुबह क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।